हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किससे है? एब्रेसिव यानी औसत। फ्रेंड्स प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन, यानी जब कोई चला जाता है व्यक्ति और आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। एक बार फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड जो रिसेंटली क्वेश्चन आया है वही मैंने सेलेक्ट किया है, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए फ्रेंड ध्यान समझते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि पांच पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 50 किलोग्राम केजी वजन वाले एक व्यक्ति के जगह दूसरे को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले बेसिक तरीका बताने वाला हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। क्लियर है? मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा बस कुछ पल के लिए। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हमने मान लिया कि पांच पुरुषों का औसत कितना था, यक्स। आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यानी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान टोटल नंबर। क्लियर है? पांच पुरुषों का औसत मैंने कितना मान लिया, यक्स है। अब कह रहा है कि फ्रेंड जब इनमें से एक केजी वाला यानी 150 केजी वाला व्यक्ति जाता है तो माइनस, जो जाएगा फ्रेंड्स माइनस कर देंगे, एक दूसरा आता है तो प्लस का वाई। अब देखिए फ्रेंड्स पांच लोग थे, एक गया एक आया, तो इसका मतलब पांच ही लोग होंगे। तो कह रहा औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है, तो इज इक्वल यक्स माइनस का 3। पांच व्यक्तियों का औसत मैंने यक्स मान लिया, कितना मान लिया, यक्स था। तो उसके बाद कह रहा है कि 3 केजी कम हो जाता है तो -3, उसमें से 150 केजी का गया दूसरा बंदा आया, तो आपसे नए व्यक्ति का वजन पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, 5x माइनस का 150 प्लस का वाई इज इक्वल 5x और माइनस का कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए फ्रेंड 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, -15 उधर चला जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से माइनस का 15 प्लस 150। तो यानी 150 से 15 घटा देंगे तो वाई का वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 135 केजी। कितना हो जाएगा, 135 केजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी डी ऑप्शन। ये तो था फ्रेंड्स बेसिक तरीका, यानी औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। अब यहां ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ कॉमन सेंस से कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं ये आपको आज सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा कि आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले क्या किया करिए कि जो व्यक्ति हटाया गया भार, यानी जो व्यक्ति जाता है उसका, उसको सबसे पहले लिख लिया करिए। अगर यहाँ पे कमी हो तो माइनस, यहाँ पे जैसे 3 केजी कम हो गया तो माइनस, अगर वृद्धि हो तो प्लस माइनस। अब पांच पुरुष फ्रेंड्स अगर देखिए आपसे कह रहा है कि दूसरा गया है तो 3 केजी कम हुआ, तो इसका मतलब पांचों में 3 3 केजी कम हुआ होगा कि नहीं, तो पांचों में 3 3 केजी कम हो जाएगा तो माइनस का 5 × 3। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो यानी 150 माइनस का 15 यानी कितना हो जाएगा, 135 केजी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। मैं अगले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कि कैसे आप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इनके औसत वजन में 3.5 किलोग्राम वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हटाया गया भार क्या है, 58 केजी का व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया यानी हटाया गया। इस बार देखिए फ्रेंड्स 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब जो है जो 12 व्यक्ति हैं फ्रेंड्स सब में 3.5 की वृद्धि हुई होगी, इस बात का ध्यान देना। तो 12 × 3 क्या कर देंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 58 प्लस 12 × 3.5 करेंगे, 12 × 5 = 60, 60 की जीरो कितना आ गया, 6, 12 × 3 = 36, 4 × 40 = 42, यानी 58 प्लस एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा 42, यानी कितना जाएगा फ्रेंड्स, 100 केजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपके SSC CGL 2022 का पूछा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अब हमको लगता है कि फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, जाते
आते जाते एकदम लास्ट तक दिल में आपके यानी दिमाग में घुस जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता, तो जो चला गया उसको पहले लिखिए। कह रहा है जिससे कक्षा का औसत भार, कह रहा फ्रेंड्स जो है एक हाफ केजी बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हाफ केजी बढ़ा है तो इसका मतलब 50 विद्यार्थियों का आधा 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 केजी बढ़ जाएगा, तो 50+50 इंटू हाफ कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 25 और 50 में 25 जोड़ देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स 75 केजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स आप सेशन को लाइक भी करते रहा करिए, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड, 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन, कह रहा 3 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स 3 केजी बढ़ा है, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले कितना था? 90 वेट था प्लस 34 व्यक्ति थे, इसका मतलब सबका 3-3 केजी बढ़ा होगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यानी 90+34 × 3, 90+3 = 12, 12 × 2 = 1, 3 × 3 = 9, 1 = 10, 102 में 90 जोड़ देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स 192 केजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन SSC GD 2022 में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई होप कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप सभी लोग बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। और फ्रेंड्स आपको सेशन लाइव अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स अपने डाउट आप जो है भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है। किस टॉपिक में दिक्कत है ये जरूर आप कमेंट करके बताएं, उस पर भी जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।